Like, share, subscribe my channel. Top 4 planning in Minecraft. और इसको भी लेके चलते हैं गाइस, काम हो चुका हमारा। और लेट्स गो, कम ऑन। आर यू सीरियस? ओ माय गॉड, नहीं नहीं, मुंह के सामने आंटी है, मुंह के सामने घास आंटी, वहां देखो नीचे। ये कैसे नेदर है? मेरे पास गाइस एक बहुत ही बिग ब्रेन आइडिया आ चुका है। ओके, आई कैन डू वन थिंग, मैं उनको मार सकता। प्लीज 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 प्लीज, यस थैंक यू सो मच। अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये लोग जैसे यहाँ से अंदर आएंगे ना, तो इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज दिखने वाली है, जो कि या तो ये वाली टनल या तो वो वाली टनल। ये लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे, ये लोग इसको यहाँ पर तोड़ेंगे। एंड चेक दिस आउट गाइस, मेरे पास नॉक बैक टू वाली गोल्डन स्वॉर्ड है। मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है और मैं खुद यहाँ से ऊपर आने वाला हूँ इस कॉर्नर के अंदर, समथिंग लाइक दिस। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी गाइस कि ये लोग यहाँ पर बच जाए, तो उसके लिए मैं अपने अपने लिए जुगाड़ बना के रखता हूँ। मैं यहाँ से आगे के लिए छलांग मार के बच जाऊंगा फिर उसके बाद। यस, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओ फाइनली मिल गया। चलो रे बाबा, एक सेकंड रुको। ड्रीम? हाँ भाई भाई भाई, दिख रहा है मेरे को। हाँ रुको, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। चलो एक मिनट, चलते ही है, जो होगा देखा जाएगा। 1 2 3 लेट्स गो। गो लेट्स गो ड्रीम, अभी मजा आएगा ना। फिडू ओके, मैं लिटरली मैं नीचे आ रहा, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ मैं भी भाई। ओ, ओ भाई भाई, अरे कौन सा है रे? क्या भाई, मर गए तुम लोग यार, शर्म नहीं आ रही है? वी आर प्रो बोलते हैं खुद को। फनी क्या था भाई? बहुत ज्यादा फनी। ये तो तुमने गलत सीन किया स्मार्टी भाई, ये बहुत गलत करते ही है, मुझे लगा ही था ऐसे कुछ तो, पर अभी क्या ही कर सकते हैं। आप जीत गए स्मार्टी, आप जीत गए। अभी कहाँ, अरे सर जी ऑफ कोर्स हम ही जीतेंगे। पिछले वाले माइनक्राफ्ट के एपिसोड के अंदर मैं और निश्चय आ चुके थे एंड सिटी के अंदर। हम लोग यहाँ पे आए थे निश्चय के लिए एलाइट्रा लेने, लेकिन मेरा प्लान कुछ और है। निश्चय को मालूम नहीं कि उसका एलाइट्रा मैं चुराने वाला हूँ। उसको लग रहा है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ दोस्ती के खातिर, लेकिन मेरे अंदर कीड़े कम नहीं है। अब तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देखते आगे क्या होता है। निश्चय ये एलाइट्रा से उड़ते कैसे? अभी इधर से कैसे उड़ सकता हूँ ऊपर? हेलो, आप पहले मेरा एलाइट्रा वापस कीजिए। देता हूँ ना थोड़े टाइम में। कोई नहीं भैया, नया खिलौना है ना, देख के पहली बार सबको हो जाता है ऐसा कैसा चीजें हम उड़ सकता है, ऐसा नहीं उड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ती है, फायर वर्क चाहिए होते हैं उसके लिए। ये फायर वर्क तो दिवाली दिवाली के दिन तो मस्त उड़ता होगा ना। दिवाली के पटाखे चाहिए होते हैं इसके लिए। ऐसा करके ऐसा जमीन पे यूं करके मार। देखा देखा मेरा नसीब, रॉकेट लेके भागने वाला ही था तभी कुछ तो हुआ। कोई इधर 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 जल्दी आ, मेरे पीछा। वो देख आयरन फार्म चल पड़ा। हाँ जल्दी भाई, आग लगी अंदर, क्या बोल रहा है चल पड़ा। रुक जा, देख अभी देख इधर राइट को देख, अभी यहाँ के इन विलेजर्स को डराएगा ठीक है। उसके बाद आयरन गोलम पैदा होगा और फिर गोलम इधर तैरते हुए आएगा, इस लावा में गिरेगा और तुम लोग को लगा सब खत्म हो गया। रुको जरा, निश्चय को अब तक मुझ पे डाउट नहीं आया है, उसको अभी भी मुझ पे पूरा विश्वास है। मेरे पास एक और चांस है इलेक्ट्रा चुराने का, बस एक और। निश्चय क्या तुझे मालूम है, तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। थैंक यू सो मच निश्चय। आयरन गोलम फार्म बंद करते हुए, हाँ वो कर रहा है, लेकिन मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, सुन ना। थैंक यू सो मच निश्चय। अरे इसको बंद कर रही है, बहुत आवाज कर रहा है। मैं कैसे बंद करूँ भाई, उसकी मर्जी, इट्स हिज चॉइस। तूने मुझे डायमंड दिया, तूने मुझे डायमंड हॉर्स का आर्मर दिया, थैंक यू सो मच निश्चय। यू आर बेस्ट फ्रेंड डूड। बाय बाय मैं जा रहा हूँ निश्चय तू भूल गया मेरे पास एलाइट्रा है। बाय बाय लेडीज एंड जेंटलमैन, ओ माय गॉड मैंने तुझसे बड़ा भाई लसन नहीं देखा भैया।
अरे मेरा लाइट मेरे को नहीं मालूम वो रॉकेट कैसे उड़ाते, मैं क्या करूं? भाई एक बंदा मैंने एकदम से मेरे को बोलता है मैं जौरा लेके, मैं भाई घबरा गया, इधर देखा मैं सर मारा अपना दीवार पे कह रहा है मिथ पैट फेल्ट काइनेटिक एनर्जी। अच्छू भाई को लगा कि लीडर सब लोग मेरे को बनाने वाले हैं और इसी चीज को लेकर उन्होंने मेरे खिलाफ हर एक हीरो ब्रायन एसएमपी के मेंबर को भड़काना शुरू कर दिया, पूरा एक सीक्रेट प्लान रिवील कर दिया मेरा। एक्चुअली वो कोई सीक्रेट प्लान नहीं था, वो एक टाइप से मैं एक नई जॉब स्टार्ट करने की सोच रहा था इस एसएमपी में। मैं सभी विलेजर्स को अंडरग्राउंड लेकर इसलिए जा रहा था क्योंकि अज्जू भाई उसे यहाँ पर हमेशा मार देते थे, वो सारे विलेजर्स यहाँ पर रहते थे और अज्जू भाई ऐसे आके बेमतलब उसे मार देते थे, रास्ते खोल देते थे और वो विलेजर यहाँ से भाग जाते थे। तो मैंने सोचा कि उन्हें एकदम अंडरग्राउंड लेकर चलते हैं और मैं एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूंगा एसएमपी में कि मैं उनसे ट्रेड लूंगा, मीन्स उनसे कोई भी एंचेंटेड बुक्स या फिर कुछ भी खरीदूंगा और अपने एसएमपी के बंदों को लाकर कुछ एक्स्ट्रा एमरल्ड में भेज दूंगा, मीन्स 14 एमरल्ड की बुक मैं इन्हें 16 एमरल्ड में भेज दूंगा जिसमें 2 एमरल्ड मेरी कमीशन होगी। अब वो कमीशन किस लिए? क्योंकि भाई मैं उन विलेजर्स का ध्यान रख रहा हूँ, उनकी तादाद बढ़ा रहा हूँ और तुमको सिर्फ 2 एमरल्ड में मैं वहां से सामान लाकर दे दे रहा हूँ, होम डिलीवरी। तो ये एक टाइप से जॉब था। अज्जू भाई ने इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करा कि मैं कोई बहुत गलत काम कर रहा हूं और इस टाइम हीरो ब्रायन एसएमपी के सभी लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं। थाना देखिए घर पे लेके आए थे, कुछ नहीं कर पाए याद है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है ना भाई, ये मत पूछो कि पीछे क्यों आ रहे हो। ये तुम्हारा दरवाजा भी एकदम तुम्हारी तरह। ये मैं आ गया। ये ओए ओए सॉरी कर रहा यार, ये मैंने मार दिया। तुम लोग नीचे ना गिर जाना ध्यान से, कौन वो सब मेरे को बाहर निकालो भाई, प्लीज बाहर निकालो यार। क्या कर रहे हो उज्जवल भाई? देखो देखो मैं समझाता हूँ, 3 दिनों से बिजली नहीं आ रही तो पानी की मोटर बंद है। अज्जू भाई ने भाई ये देखो कुछ मैंने देख लिया, अज्जू भाई ने यार यहाँ पे कुछ बना रखा था। तुम नीचे कैसे गए पहले मेरे को ये बताओ। ओ इसके अंदर सामान है बहुत सारा। और ये कौन ऊपर आ रहा है? नहीं भाई अज्जू भाई ने यहाँ पे कुछ बना रखा था यार। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? अज्जू भाई को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता था और अज्जू भाई अभी जा रहे बाहर। सुनो 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 रुको रुको वो पापी। बाय बाय अज्जू भाई, अबे मैं वापस आ रहा हूँ। अज्जू भाई के साथ हमने कर दिया स्कैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। If you break like glass, then this life's coming.